हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये सारे क्रीम। हम बात करेंगे ये सब किस किस काम में आते हैं और कौन सा हमारे फेस के लिए बेस्ट है। ये सारे ही क्रीम फेस क्रीम हैं। बात करेंगे कौन सा क्रीम बेस्ट रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्राइस की और इनकी क्वांटिटी की। ये सारे ही क्रीम 20-20 ग्राम्स के हैं। एक दो है इसमें जो ये 15 ग्राम्स के हैं और इनके प्राइस किसी का भी इतना कॉस्टली नहीं है, बहुत ही अच्छे प्राइजेस में मिले हुए हैं। और ये फेस क्रीम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रीम इस टाइम की ये है, जो फेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली क्रीम है। इन सारी क्रीम्स में अगर हम एक एक करके बात करें, ये फेस क्रीम नहीं है, ये इन्फेक्शन क्रीम है एक, तो इसको तो आप साइड में कर दीजिए क्योंकि ये फेस से इसका कोई लेना देना है नहीं। ये गोमार्स की बहुत अच्छी क्रीम है जो आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल जाएगी। ये फेस को ब्राइट करने के काम में आती है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये कुछ इतनी खास मुझे लगी नहीं, इतनी खास इस क्रीम है नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक अच्छी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मेला केयर क्रीम। ये 25 ग्राम्स की है और इसका प्राइस 259 रुपीज़ है। ये सेम ऐसे ही वर्क करती है जैसे गो मार्स क्रीम करती है और ये भी एक फेस क्रीम है। इसका भी कुछ इतना सा अच्छा जो वो है, इसको हम मतलब फर्स्ट नंबर पे नहीं रख सकते, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं लगा है। नेक्स्ट है मेडिसेलिक क्रीम। ये भी एक फेस क्रीम है और आज की टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रीम है ये। ये 20 ग्राम की है और इसका प्राइस है 159। बहुत ही पॉपुलर क्रीम है ये, इसका सिलिसिलिक एसिड फेस को ब्राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, तो ये मुझे काफ़ी हद तक बेटर लगी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्रीम की, तो ये है माय फेयर क्रीम और इसको बोलते हैं अविश्वसनीय सौंदर्यता। इसको मतलब इतना अच्छा माना गया है इस क्रीम को फेस के लिए कि इसको मतलब अविश्वसनीय बोलते हैं, अविश्वसनीय सौंदर्यता। मतलब इसको आप ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते जैसे इससे ग्लो आएगा, ऐसा इन्होंने इस क्रीम के बारे में। और इसका जो प्राइस है वो है 199 और इसकी क्वांटिटी है 20 ग्राम, तो इतना महंगा भी नहीं है ये, ठीक है किसी हद तक। नेक्स्ट जो हमारी क्रीम है वो है डर्मिटोर KT6 क्रीम। ये भी एक इन्फेक्शन क्रीम है, अगर किसी को दांत खाद खुजली इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं ये, अदरवाइज़ ये फेस के ग्लो के लिए नहीं है, तो हम इसकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। वैसे मैंने इन सभी की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप एक एक करके वीडियोस देख सकते हैं। जिस भी क्रीम की आपको फुल डिटेल चाहिए, फुल जानकारी चाहिए, आप वीडियो को देख सकते हैं, सबकी मैंने अलग अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। अभी सिर्फ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा क्रीम इनमें से बेस्ट रहेगा फेस के लिए, तो ये तो फेस क्रीम है नहीं, इसको हम फेस पे अप्लाई नहीं करते, इसको इन्फेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है ये क्यूटी क्रीम। क्यूटी क्रीम भी एक फेस क्रीम है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं। जो ये क्रीम है ये 3-4 ये सेम है बिल्कुल, इनमें सेम दवाइयों का यूज़ हुआ है इन सभी क्रीम्स को बनाने के लिए। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे सभी में सेम चीज़ें मिलाई गई हैं बनाने के लिए, एक ये है। तो ये चारों क्रीम एक जैसा वर्क करेंगे आपकी स्किन पर, एक जैसे साइड इफ़ेक्ट रहेंगे इनके। इनकी मैंने अलग से एक एक वीडियोस बनाई हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको कोई क्रीम इसमें से चाहिए तो। अदरवाइज़ जो ये वाली क्रीम है मोजा सैलिक क्रीम, ये इसी की दूसरी क्रीम है, इसी की मतलब ये बोल सकते हैं, इसको ये लोकल बोल सकते हैं या फिर कम इफ़ेक्टिव क्रीम बोल सकते हैं।
बाकी इसी का है क्योंकि इसी की कॉपी यहाँ आप देख सकते हैं, जो डॉक्टर सलाह देते हैं वो इस क्रीम के लिए देते हैं ज़्यादातर। इस क्रीम को इतना ज़्यादा माना नहीं गया है, इतना ज़्यादा लोग इसको ख़रीदते नहीं हैं। बात करते हैं इस क्रीम की, तो ये भी एक इन्फेक्शन क्रीम है जो 15 ग्राम का है और इसका प्राइस है 98 रुपीज़। आपको ये फंगल इन्फेक्शन में हेल्प करता है, जैसे दाँत, खाज, खुजली, इन्फेक्शन, फंगस कहीं पे हो रहा है आपके, तो उस कंडीशन में इसको अप्लाई करना है। देन जो मुझे इन सारी क्रीम्स में बेस्ट क्रीम लगी है, क्योंकि मैंने इनको सबकी जानकारी मैंने एक एक करके पढ़ी है, आपको अगर इसमें से कोई किसी क्रीम की जानकारी चाहिए तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं और भी आप अपने अनुसार और कहीं से भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। देन मुझे ये क्रीम बेस्ट लगी है। आपको अगर किसी को अप्लाई करना है फेस के ग्लो के लिए तो आप इस क्रीम को ले सकते हैं, मुझे ये वाली क्रीम बेस्ट लगी है इन सभी क्रीम्स के अंदर। वैसे तो ये सारी ही सबके ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं फेस के लिए, लेकिन इसका जो इसको जो रिकमेंड करने की जो सलाह डॉक्टर देते हैं वो इसका सैलिसिलिक एसिड है जो फेस को ग्लो करने का काम करेगा, इसका मेन वजह जो है वो ये है, इसलिए मुझे ये क्रीम बेस्ट लगी। तो इन सभी क्रीम में हम इसको जो है वो एक नंबर पे रखेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच जाएँ। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हमने अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, आप एक बार हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिए, हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, वीडियोस आपको पसंद आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।